हमारी मंडी में कभी महंगाई नहीं होती है। नेता को भी पता कुछ नहीं होता, मंडी में जब आएंगे जब पता चलेगा। 5 रुपए किलो खीरा यहाँ से लीजिए आप, देसी खीरा जो बढ़िया खीरा है 10 रुपए किलो लीजिए। हिसाब में 10 रुपए किलो तोरई, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो तोरई होती है। हम राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जरूर चाहते हैं कि स्थिर सरकार आए, जो भी आए अच्छी सरकार आए जिससे कि आम लोगों का फायदा हो। क्या आपको लगता है इस बार का जितना भी सब्जी व्यापारी है मोदी के साथ है या फिर राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के साथ है? मैंने आपको बताया ना, ये राजनीति की बात ना पूछा तो बढ़िया है, क्योंकि आपकी राय सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति हम व्यापारियों में नहीं होती, हमारे व्यापारियों में राजनीति नहीं है, हमारा यहाँ राजनीति नहीं होती है, बाहर कुछ भी राजनीति होती रहे, लेकिन हम व्यापारी ये जरूर चाहते हैं क्योंकि स्थिर सरकार बने, अच्छी सरकार बने जिससे कि हमारा व्यापार चले। आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी तिहाड़ में बंद है, इसको आप कैसे देखते हैं? इसे देखते हैं, जो कर्म करेगा वो तो भुगतेगा। मतलब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, ये अपमान होगा, जब ऐसे कैसे कोर्ट उसको बंद कर देगी, ये बताइए। केजरीवाल ने आप लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है, व्यापारियों के लिए कुछ किया है? क्या करेंगे व्यापारियों, एक एग्जांपल बताइए किस चीज़ के लिए किया हमारे? वो कहते तो हमने बहुत चीज़ सुधार किया है, मंडी में सुधार लाए हम लोग। अगर इसी को सुधार कहते हैं तो केजरीवाल सही। क्या नाम है सर आपका? दिनेश शर्मा। क्या चल रहा है मंडी में, क्या हाल है? अच्छा हाल है मंडी में, सब कुछ सही है, ठीक ही चल रहा है। महंगाई, हमारी मंडी में कभी महंगाई नहीं होती है। हाँ, मंडी से बाहर महंगाई जरूर होती है। नेता तो बोलते हैं कि प्याज का दाम 100 रुपये किलो, नेता उसको आप कैसे देखते हैं जो नेता है? नेता को भी पता कुछ नहीं होता, मंडी में जब आएंगे जब पता चलेगा। आप आए हैं, आप देखिए क्या भाव है बाजार। मुझे तो ताजुब लगा, 5 रुपए किलो खीरा, 5 रुपए किलो खीरा यहाँ से लीजिए आप, देसी खीरा जो बढ़िया खीरा है 10 रुपए किलो लीजिए, हाइब्रिड 5 रुपए, 6 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। अच्छा, अब आप लगाइए मंडी का तेजी कितनी है। मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है मंडी में, सब कुछ सही चल रहा है? मतलब जो नेता लगाते हैं इल्ज़ाम लगाते हैं वो गलत लगाते हैं? हमारे हिसाब से गलत है, जो बाहर बेचते हैं उनके हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से गलत है। अच्छा, हिसाब में 10 रुपए किलो तोरई, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो तोरई होती है, बाहर बिकती है 60 रुपए, 70 रुपए, वो महंगी है, हमारे यहाँ थोड़ी महंगी है। अच्छा, जब मार्केट में भी लोकल मंडी में भी प्याज का दाम 200-300, तो इधर क्या रेट होता है फिर? 200-300 से मतलब आपका? मतलब प्याज 200 रुपए किलो पहुँच जाता है, 300 तो 200 रुपए किलो कभी प्याज नहीं हुआ है यहाँ पर, अभी कुछ दिन पहले ही पहुँचा था प्याज और टमाटर का रेट, बाहर पहुँचा था, अंदर नहीं पहुँचा था, मंडी में नहीं पहुँचा था। अच्छा, यहाँ पे मतलब स्थिर मंडी में मैक्सिमम बहुत तेज होगी तो 50-60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, टमाटर जरूर एक दो दफ़े हुआ 200 रुपए किलो। अच्छा, दूसरे मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या देखते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, किसकी सरकार आप देख रहे हैं? देखिए, हम व्यापारी हैं, हम राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जरूर चाहते हैं कि स्थिर सरकार आए, जो भी आए अच्छी सरकार आए जिससे कि आम लोगों का फायदा हो, कुछ फ़ायदा मिले आम लोगों। क्या लगता है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ एनडीए मोदी की सर? देखिए, अपनी अपनी सोच है, स्थिर सरकार उसको कहते हैं जो एक हाथ से चले, 10 हाथों की स्थिर सरकार कभी नहीं हो सकती। मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार, क्या लगता है इस बार 400 पार आ रहे? 400 पार नहीं होगा तो 400 के करीब जरूर होना चाहिए, चाहिए कंफर्म नहीं है, होना चाहिए। दिल्ली में बहुत बड़ा मंडी है, गाजीपुर का मंडी है, इसमें पिछले बार एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राहुल गांधी आए थे एक सब्जी वाले से, वो सब्जी वाला रो रहा था, बोला था मोदी सरकार, वीडियो आया था सामने जो, इसके बाद गाजीपुर मंडी का था वीडियो, मंडी का कभी वीडियो नहीं आया, एक वीडियो आया था जिसके बाद राहुल गांधी के पास वो वीडियो पहुंचा, वो सब्जी विक्रेता राहुल गांधी से मिलने घर गया, वो सब्जी विक्रेता रोते रोते बोला था मोदी सरकार ने हमारा जीना हराम कर दिया, प्याज महंगाई हो गया है, ये सब कुछ, इसको आप कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए, जो यहाँ बेचने वाला है वो महंगा बेचता है? कभी नहीं जा सकता यहाँ का रोने वाला, यहाँ तो मत्ता बिकता है मंडी में, तो बाहर जरूर तेज बिकता है, मानते हैं वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं, सारे दिन धूप में बारिश में घूमते हैं, घर घर दरवाजे दरवाजे जाते हैं, तो वो ज़रूर थोड़ा कमाते हैं, लेकिन मंडी में कभी तेज़ी इतनी नहीं होती जितनी दिखाई जाती है। क्या आपको लगता है इस बार का जितना भी सब्जी व्यापारी है मोदी के साथ है या फिर राहुल गांधी या इंडिया अलायंस के साथ है? मैंने आपको बताया ना, ये राजनीति की बात ना पूछा तो बढ़िया है, क्योंकि आपकी राय सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति हम व्यापारियों में नहीं होती, हमारे व्यापारियों में राजनीति नहीं है, हमारा यहाँ राजनीति नहीं होती है, बाहर कुछ भी राजनीति होती रहे, लेकिन हम व्यापारी ये जरूर चाहते हैं क्योंकि स्थिर सरकार बने, अच्छी सरकार बने जिससे कि हमारा व्यापार चले, ये हम चाहते हैं। आप दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी तिहाड़ में बंद है, इसको आप कैसे देखते हैं?
ऐसे देखते हैं, जो कर्म करेगा वो तो भुगतेगा। मतलब केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, ये अपमान होगा जब, ये ऐसे कैसे कोर्ट उसको बंद कर देगी, ये बताइए। जमानत नहीं मिल रहा है, जमानत इसीलिए नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी कुछ तो किया है, आम आदमी पार्टी आरोप तो लगा रहा है, ईडी सीबीआई सब मोदी ने अपने पास रखा, इसलिए केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल को दे दीजिए ईडी, तभी वो ऐसे ही होगा, ईडी तो अपना काम करेगी, ईडी केजरीवाल या मोदी जी के कहने से नहीं करेगी, ईडी काम करेगी अपनी तरीके से। लेकिन संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे, आखिरकार वो बाहर तो आ गए, उसको आप कैसे देख रहे हैं? संजय सिंह जिस टाइप के आदमी है, उन्हें होना ही था गिरफ्तार। केजरीवाल ने आप लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है, व्यापारियों के लिए कुछ किया है? क्या करेंगे व्यापारियों, एक एग्जांपल बताइए किस चीज के लिए किया हमारे लिए? वो कहते तो हमने बहुत चीज सुधार किया है, मंडी में सुधार लाए हम लोग, देख लीजिए आपके सामने सुधार है, कितनी गंदगी है और क्या हालात है, आप खुद देखिए। वो तो मैं खुद देख रहा था। अगर इसी को सुधार कहते हैं तो फिर केजरीवाल सही है। अच्छा, अगर आप इसको सुधार कहते हैं तो केजरीवाल सही है, हम गलत। अच्छा, मान रहे कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया इसलिए वो जेल में है। भाई हम क्यों मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, कोर्ट कह रहा है इस बात को, इसीलिए कोर्ट ने जमानत नहीं दी उनको। कुछ ना कुछ तो किया है उन्होंने, अगर कुछ ना किया हो तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कौन ले जाएगा पकड़ के? मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल शिक्षा क्रांति लेकर आ गए, वाकई करे उन्होंने, बहुत बढ़िया करा है। वो भी तो जेल में बंद है, वो होंगे, उन्होंने भी काम करा होगा ना ऐसा। अगर मैं गलत काम करूंगा कुछ, अगर मैं चारा नहीं करूंगा तो हटाने के लिए तो होगा बंद। जब केजरीवाल सत्ता में नहीं आए थे तो वो कहते थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, कांग्रेस बहुत बड़ा भ्रष्टाचार पार्टी है, सोनिया गांधी को जेल में डाल दो एक दिन में सब कुछ निकल जाएगा। आज सोनिया गांधी के साथ हाथ मिला रहे हैं, आज सोनिया गांधी की गोद में बैठे हैं वो। जी जी, हाथ नहीं मिला रहे, गोद में बैठे हैं। अच्छा, ये दोगलापन कहते हैं इसको दोगलापन कहते हैं, इसी को दोगलापन कहते हैं। तो हमने अभी सब्जी व्यापारी से एक बात किया, इन्होंने अपने मत को रखा है और जानने की कोशिश हम कर रहे थे कि ये व्यापारी वर्ग आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन अमन बढ़िया के साथ हर्षराज।